दिस इज रुचि शेफ, वेलकम टू द किचन निंजा। आज की जो डिश है वो है इटालियन फ्राइड राइस। तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। आज हम यहाँ पे इटालियन फ्राइड राइस बना रहे हैं। उसके लिए एक पैन में मैंने 1.5 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल लिया है। अब इसमें हम चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे, ऑरिगेनो ऐड करेंगे, मेरे पास यहाँ पे कुछ फ्रेश बेजिल्स है वो ऐड करेंगे हम अच्छे से। अब इसमें हम वेजीज ऐड करेंगे। वेजीज में मैंने यहाँ पे बेल पेपर्स, टमाटो, ग्रीन कैप्सिकम और जुकीनी लिया है, वो अच्छे से ऐड करेंगे। सॉल्ट ऐड करेंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे। एक मिनट तक इसे हम कुक होने देंगे। अब इसमें हम एक कप जितना कुक्ड राइस ऐड करेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे सो दैट हमारे राइस टूटे नहीं। अब इसमें हम थोड़ा सा हल्का सा पानी छिटते हैं सो दैट ये अच्छे से हीट अप हो जाए। इसमें मैंने चीज ऐड किया है, अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे हम। इटालियन फ्राइड राइस हमारा रेडी है टू सर्व। आप इसे किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हो या आप इसे इसी तरह से खा सकते हो, बहुत ही टेस्टी लगेगा।